लालू प्रसाद जी से कभी नहीं हुआ, रहा आरजेडी से हुआ तो वो आज भी है। लालू प्रसाद यादव जी हमारे दिल में रहते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर ही मुलाकात हुआ कि ना पहले से बेहतर स्वास्थ्य है, ईश्वर से मनाएंगे कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश सैनी है। मुकेश सैनी जी, आपने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, कैसा था स्वास्थ्य और क्या क्या बातें हुई? स्वास्थ्य को लेकर ही मुलाकात हुआ कि ना पहले से बेहतर स्वास्थ्य है, ईश्वर से मनाएंगे कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और सिर्फ मुलाकात था, और आप सबको पहले से ही पता है कि हमेशा जब भी बात हुआ सामाजिक न्याय की, तब हमेशा लालू प्रसाद जी हमेशा आगे रहे हैं। और मैंने हमेशा जब मंत्री था तभी भी मैं कहता था कि लालू प्रसाद जी के विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ, उनके विचारधारा को मानता हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ। उन लालू प्रसाद यादव जी हमारे दिल में रहते हैं, तो ये सब चीज़ हमेशा है और रहेगा। तो इसी को लेके संबंध था, तो इसको लेके मुलाकात करना था कि उनसे मिले, समझे, आशीर्वाद ले, यही सब चीज़ को लेके था। कहा जा रहा है कि गिले शिकवे भी दूर कर लिए गए हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग चुनाव से पहले हुई थी आपके और आरजेडी के बीच। लालू प्रसाद जी से कभी नहीं हुआ, रहा आरजेडी से हुआ तो वो आज भी है। वो ख़त्म कैसे होगा? ख़त्म तो जब जो गलती किए हैं उस गलती को सुधारेंगे, जो गलती किए वो सुधारेंगे, तभी कैसे ख़त्म होगा, ऐसे कैसे ख़त्म होगा। क्या आप मानते हैं कि वीआईपी पार्टी के लिए झारखंड भी फर्टाइल लैंड है सियासी रूप से, क्योंकि अब आप पार्टी का विस्तारीकरण झारखंड तक कर रहे हैं? या निश्चित तौर पे जिस तरीके से ताकत हमारा बिहार में है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, सब जगह से सामान्य तरीके से हमारी ताकत है। और आपने देखा कि बिहार में कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मछली मारने वाला, मछली बेचने वाला बिहार की राजनीति कर सकता है और अपने समाज को लेकर लीड कर सकता है। तो हमने किया ना, हमने 2020 में दिखाया कि निषाद के बेटा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो ये ताकत हमने दिखाया। और उत्तर प्रदेश में भी संगठन मजबूती से काम करे, और झारखंड में भी हम लोग सामाजिक संगठन पहले से निषाद विकास संघ के तरफ से काम कर रहे थे, लेकिन अभी पॉलिटिकल तरीके से हम काम कर रहे हैं। और आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी 6-8 महीने में जब भी उपचुनाव होगा झारखंड में, तो आपको दिखेगा कि वीआईपी पार्टी का ताकत कितना है, कितना परसेंट वोट है। और 20-22 ऐसे सीट है जहाँ पे अगर हम खड़ा हो जाए तो निश्चित तौर पे दुश्मन को वहाँ पे हारना पड़ेगा। आटा चावल तक की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। हाँ, निश्चित तौर पे जो देश में कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। जो कभी भी आटा चावल पे टैक्स नहीं था वो टैक्स लगने लगा, तो निश्चित तौर पे ये सब चीज़ बढ़ना है। और जो मोदी जी का जो नीति है वो सही नहीं है, जो बड़े बड़े उद्योगपति को बगैर सोचे समझे करोड़ों अरबों रुपया दे देते हैं, बाद में वो पैसा लेके दुनियादारी कर लेते हैं, और नहीं देते तो राइट ऑफ करते हैं, उसको माफ़ करते हैं, और जब माफ़ करेंगे तो देश के ऊपर बर्डन गिरना है, और जब बर्डन गिरेगा तो कहाँ से आएगा? आटा चावल से ही GST के तौर पर कलेक्ट होगा, कपड़ा से GST के तौर पर पैसा कलेक्ट होगा, वही पैसा फिर जिनका पैसा उनको लौटाया जाता है। चलिए, ये थे मुकेश सहनी। फिलहाल देख सकते हैं कि अभी जिले के दौरे पर जा रहे हैं, और साफ तौर पे कहा कि गिला शिकवा जो है वो लालू से कभी नहीं रहा, और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी इस वीडियो में जानकारी दी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।